conference. Zindabad. All Jammu and Kashmir National 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 Conference. Zindabad. Jammu Management Bank. Jammu Management Bank. और वो सारे साथियों ने यहाँ बात की जो वाकया किचन में हुआ पूजा जी के साथ, उस पर पूरे तफसील के साथ बात हुई। मैंने अभी एस आर साहब से यहाँ बात की, डी सी साहब यहाँ पे नहीं है, वहाँ नागसरी में गए हैं, इनसे तफसील में बात हुई। हमारा कोई यहाँ शोर शराबा बगदड़ मचाने की ना हमने आज तक
ये यहाँ हमारी कुछ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उतरा रहा है न तरीका रहा है, हम पुरमन यहाँ तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना चाहते हैं कि जो यहाँ वाक्या हुआ जो उसमें मुलविस हैं लोग उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। और वहाँ के जो लोकल हैं जो शिकायत रही है कि लोगों को वहाँ एडजस्ट नहीं किया जाता है, तो हमारी गुजारिश है कि पहले उनको मौका दिया जाए जो वहाँ लोकल हैं, फिर बाहर से जिनको जो ऑफिसर वहाँ बैठे हैं कंपनियों में बैठे हैं और बैठे हैं जो बाहर से लाते हैं लोगों को वहाँ तैनात करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हक उनका बनता है जो वहाँ के लोग वहाँ पे जिनकी ज़मीनें गई जिनकी जायदाद गई जिनके मकान गए उनका पहला हक बनता है। ये हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बाकी हमारा कुछ नहीं है, ये कोई झगड़ा नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि ये खुद आपके सामने बात करेंगे इस साहब भी हमें तो मैं गुजारिश को बहिश्ते ज़िला नायब सदर किश्तवाड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख सजाद, मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर रक्षक ही रक्षक बने तो आम जनता का क्या हाल होगा। जो ये नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर उसी बेटी के साथ समाज में ऐसी वारदात होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ छुपी है, कहाँ अपना इस वक्त मुंह छुपा के बैठी हुई है। हमारे लोग भी मुंह में जबान रखना जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल सकते हैं, हम भी मुंह में जबान रखते हैं बोलने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसे लोगों को नंगा करें, बीच बाजार में इनको गिरफ्तार किया जाए। ये चोरी छुपी की बात नहीं है, हम सामने कहते हैं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सुन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीधी सादी जमात नहीं है, हम अगर सोए हैं सोने दो, अगर हमको जगाया गया फिर आपकी नींदें उड़ जाएंगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करता हूँ, हमने यहाँ एसपी ऑफिस में कई बार मीटिंग में कहा है, वहां हमारी वीडियो से आप उठा के देख लीजिए, हमने अमर और भाईचारे के लिए बात की है, हर तबके के लिए बात की है। और आज हमारी DDC चेयरपर्सन पर कुछ लोग जिनको स्पॉन्सर किया गया है वहां गवर्नमेंट की तरफ से तंदूरू में कई और प्रोजेक्टों में वो मारपीट की जाए, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पे आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले, ऐसी बात नहीं है कि हम चुप हैं, हमारी कयादत है, हमको उन्हें वार्न किया कि आराम से बात करो, लेकिन गुस्सा ऐसा है कि एक औरत पे हाथ उठाया जाए और ये लोग वहाँ तमाशा देखते हैं। अहंकार वहाँ मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने हाथ उठाया और वो देखते रहे। हम किस पुलिस की बात करते हैं कि आप बोलते हैं कि नहीं जी पुलिस हमारे साथ है, कहाँ हमारे साथ है, किसी के साथ नहीं है, ऐसे जो वहाँ पर मौजूद थे। तो हम वार्न करना चाहते हैं कि आवाम अभी यहाँ आई नहीं है, किसी भी वक्त अगर ऐसा और वाका हो जाता है कि हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी जमात है पूरे जम्मू कश्मीर में इसकी दौड़ चली जाएगी, गिरफ्तारी अगर होगी। यहाँ हमारे साहब भी इस वक्त आए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं जो इशू कल का बोर्ड कर रहे हैं किस तरीके से हुई हैं चीज़ें, तो उसमें जो है आप राइटिंग में आ चुकी हैं चीज़ें और उसमें जो है मेरे डीसा से बात भी हुई है, डीसा अभी पत्थर नक्की में बाहर जो एक रोड का इशू वहां पे गए हुए हैं उससे बात भी हुई है। तो इसमें जो भी इश्यूज सामने आए हैं उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, तो उसमें देखा जाएगा क्या क्या कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए पुलिस से बात करके और बाकी जो उसमें स्टेक होल्डर्स हैं किस तरीके से आगे कार्रवाई होनी चाहिए वो हम डेफिनेटली करेंगे, इसका हम एश्योरेंस करते हैं। क्या कार्रवाई जनाब उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर जी, या आप अपनी जबान से कहें क्या हम उन पर कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर दो चीजें हैं वो दिक्कत तो आपकी मतलब हर जगह तारीफ जो भी डेवलपमेंट यहाँ डेवलपमेंट की मांग रोड से बात रही है पूजा जी, ये अगर पूजा मैडम के साथ चेयरपर्सन के साथ ऐसे हालत और दो दिन से डिले हो रहा है अभी भी आप बोल रहे हमें टाइम दो,
क्या वजह है कि वो सब सीसीटीवी फुटेज है आपके पास, सारी चीजें आपके होने के बावजूद आपको रिटर्न कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दो दिन से आप इस पे एक्शन नहीं ले पा रहे, क्या ये आपके आपके ऊपर दबाव है, आप इस पे ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते, आप लोगों को जगाना चाहते हो, इसकी अश्योरेंस आप दे दीजिए, यहाँ पे बीडा के लोग भी है, आप अश्योरेंस दे दीजिए कि आप किस किस दबाव में। मैंने पहले ही बता दिया कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून की बात अगर होगी कानून के सामने, कानून के सामने दूर धमकी गई वहाँ। इसी तरह से बात सुनिए, 24 घंटे एपिसोड को हो गए, कानून कहाँ सोया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है, अगर इसके मुकाबले में और कोई होता उसकी तो आपने धज्जियां उड़ाई होगी। आप हमें एक तो FIR की कॉपी लाज दे दीजिए और जिस जिसको आपने कानूनी कार्रवाई की या गिरफ्तार किया है उसकी हमें डिटेल चाहिए। मेरे को दो दो बंदे ओपन है, कुछ छुपे हुए नहीं, कोई है, दो है या तीन है, दो है या चार है, ठीक है, आपको भी पता है, दो बंदे कंपनी में रहेंगे, कंपनी बंद, कंपनी बंद। हमें जो आप कानूनी कार्रवाई बोल रहे हो, एक तो टर्मिनेशन हमें चाहिए उनकी कंपनी से और हमें FIR, क्योंकि ऐसे गुंडे क्यों पाले हैं जो इतनी बड़ी चेयर पर इश्यू जो है मर्दूर उसमें लाया है, आपने राइटिंग में भी हमारे पास आ जाएगा या आ चुका है, क्या क्या उसमें होना है और आपको इंटीमेट कर देंगे सर। इंटीमेट नहीं, हमें FIR की कॉपी और उन दोनों की गिरफ्तारी का सबूत चाहिए। 13 तारीख को हमारा यौन शोध हम मनाने जा रहे हैं, उसी दिन से यहाँ जो हालात होंगे उसकी जिम्मेवारी पुलिस भी कॉन्फिडेंस ले रही है उसमें, और उसमें ड्यू प्रोसेस में जो भी कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। और वो एक्ट नहीं लगाया गया है जिससे आप एक दिन हमें दिखाने के लिए लगा दो, दूसरे दिन सुबह उसको नॉन अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ा ये छोटा हादसा नहीं है जनाब, आप भी सर आप पर ब्याज हो सकता है, ऐसे लोग तो आप भी ब्याज लगा देते हैं सर, उसमें उसमें जो जो भी स्टेप्स लेने के सब लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें लग रहा है कि वो दबाव में, कौन जीता है तेरी जुल्म के सर होने दे, ये हमें नहीं, होता रहेगा होता रहेगा, दैट इज नॉट टॉलरेबल। अब देखे इश्यू आपने लाया है यहाँ पर तो डेफिनेटली जो है इसमें आगे कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं कि अनहियर्ड किया जाएगा। नहीं नहीं, 24 घंटे हो गए, कहाँ है रजिस्ट्रेशन, आपको और एक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन्वॉल्व है, हमारे पास सबूत है इस बात के, और ब्लाइंडली हम कोई बातें ना करें, आपने इश्यू लाया है, अगर आप राइटिंग में कुछ देना चाहते हैं पॉइंट्स हम राइटिंग में भी देते हैं, या हमारे पास जो आए होंगे पहले उनको कार्रवाई करेंगे। तीसरी आफिस में पहुंचे ACR किश्तवाड़ आपके पास पहुंचे हैं, क्या कुछ आश्वासन दिलाया गया? अभी अभी आपके सामने कहा कि इस पर हम फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे, हमने इनको कहा टाइम बुक, इसमें यह नहीं होना चाहिए आजकल करके कि इसको लंगरान किया जाए, उस सिलसिले में हमने इनको कहा है कि अगर आप 13 तारीख तक इनको इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो 13 तारीख हम 13 तारीख का फैसला लेंगे वहाँ मीटिंग में कि हमको क्या करना चाहिए, फिर आइंदा का प्रोग्राम 13 जो हालात वहाँ रहे तब तक क्या कार्रवाई होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर इन्होंने इस पर कार्रवाई की उस पर एक्शन हुआ तो विलन को हमारा कोई नहीं है ये कि हम जबरदस्ती या खामखा यहाँ कोई हंगामा आ रही वो नहीं है, अगर नहीं तो उसके बाद हम वहाँ फैसला लेंगे हम मीटिंग में कि हमको क्या करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कुछ आश्वासन दिलाया? एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम इसमें फौरी तौर पे कार्रवाई करेंगे एक्शन करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन हमसे आश्वासन।